आज की इस वीडियो में आप लोग अंजार चार विधानसभा सीट ना भाजपा ना उम्मीदवार त्रिकमभाई बिजल छांगा ने विजय बनावा माटे आज अंजार टाउन हॉल मध्य आसाम ना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वास शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री केशव गुर्जर आया था। जेमा रोड शो तेमज सभानु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। केंद्रीय मंत्री केशव गुर्जर जणावेलुं के गुजरात मॉडल गुजरात में नहीं पूरा देश में गुजरात मॉडल अपनावामां आवेल छे। दुनिया सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जेवी युनाइटेड नेशन्स एजेंसी बात करी रही छे। अगाउनी सरकार में गोटाला के भ्रष्टाचार ना आरोपो लगावामां आवता हता। मोदी सरकार में कोई ज भ्रष्टाचार ना आरोपो लगावी शकतुं नथी। अंते भाजपना उम्मीदवार ने मत आपीने विजय बनावानी वात करी हती। आसामना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्माए जणाव्युं के आसामनी चा अने सौथी वधु दूध गुजरात उत्पन्न करे छे। आसामनी चा ने गुजरातनुं दूधनी चा बनावा वाळो गुजरातनो नरेन्द्र मोदी साहेब छे। गुजरात चुनावनुं गुजरातमां महत्व घणुं छे। गुजरातना युवानो ઉપર સમગ્ર દુનિયા તમામ દેશોમાં ઘણું જ મહત્વ છે। સેન્ચુરી તેંડુલકર અને તેંડુલકર નહીં પણ ગુજરાતમાં ભાજપની સેન્ચુરી લાગશે જે શંકાને સ્થાને નથી। દેશમાં ગાંધી પરિવાર દેશનું શાસન ચલાવતું હોય તો વાંધો નથી પણ આ જે ડુપ્લિકેટ ગાંધી પરિવાર છે તેવી વાત કરી હતી તેમજ સરદાર પટેલને યાદ કર્યા હતા। અંતે અંજારની સીટ ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાતમાં જંગી લીડતી ભાજપનો ભગવો લહેરાય તે માટે સૌ લોકોને કિંમતી મત ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપને મત આપીને વિજય બનાવવાની તેમણે વાત કરી હતી। आज मोदी जी एक कॉल करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट भी उसके साथ खड़ा होता है, साउथ भी उसके साथ खड़ा होता है। यानी कि मोदी जी के प्रति भरोसा लगातार देश के 130 करोड़ लोगों का बढ़ रहा है। उसका प्रमाण भी हमने देखा, कोरोना आया मोदी जी ने कहा जनता कर्फ्यू, 130 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हो गए। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, 130 करोड़ लोगों ने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा घर घर में दिया जलाओ, 130 करोड़ लोगों ने दिया जलाया। और इस 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा घर घर में तिरंगा फहरना चाहिए, 130 करोड़ लोगों ने घर घर पर तिरंगा फहराया। ये एक प्रधानमंत्री के प्रति देश के लोगों का भरोसा जाता था और सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया का आज भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। वो ग्लोबल लीडर हो गए हैं। तो मित्रों मैं इतना कहने आया हूँ, बातें बहुत हैं लेकिन हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं इतना कहने आया हूँ गुजरात के लोगों से, आपने 1 तारीख को सिर्फ अंजार की किस्मत का फैसला नहीं करना, गुजरात की किस्मत का फैसला नहीं करना, आपने पूरे भारत की किस्मत का फैसला गुजरात के लोगों में करना। मित्रों जब दुनिया का भरोसा मोदी जी पर बढ़ रहा है, जब भारत का भरोसा मोदी जी पर बढ़ रहा है तो गुजरात का भरोसा बनाए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए बताइए। गुजरात का भरोसा मोदी जी पर है ना आज भी, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। तो मान कर चलिए इस देश का भविष्य उज्जवल है। और मोदी जी ने यही कहा है लाल किले से कि अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल होंगे। वो जानते हैं कि 25 साल मैं नहीं हूंगा लेकिन 25 साल बाद जब भारत आजादी का 100वां साल मनाएगा तो मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत होना चाहिए। मोदी जी इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए रात दिन अपने आप को खपा रहे हैं। अंत में मैं इतना कहते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मोदी जी के हाथों में मित्रों देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित है, देश का सम्मान भी सुरक्षित है। आओ हम सब मिलकर मोदी जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यही निवेदन आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। डॉक्टर हेमंत बिश्वास शर्मा जी हमारे अंजार विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व में मंत्री रहे, अनेकों बार विधायक रहे, भाई वाशन भाई अहीर जी हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई टीकम भाई वशन भाई जी हमारे यहाँ के
इंचार्ज भाई त्रिकम भाई जी और आज की सभा में आए हुए सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार, मुझे गुजरात के अनेकों विधानसभाओं के चुनाव में आने का मौका मिला है। जब मैं हरियाणा में विधायक होता था, मंत्री होता था, तब भी और वासन भाई के चुनाव में भी कई बार मुझे आने का मौका मिला है। आज फिर से आपके बीच में आया हूं, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं इसके साथ से निवेदन करने आया हूं, गुजरात ने सिर्फ गुजरात को नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है। आज गुजरात मॉडल सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश में अपनाया जा रहा है। और हम सौभाग्यशाली है भारतवासी कि हमको मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। मित्रों, ये मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान का मीडिया नहीं कहता, ये हिंदुस्तान का सर्वे नहीं कहता, ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी का सर्वे कहता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी है। 76% वोटों के साथ पहले नंबर पर खड़े। अमेरिका का बाइडन भी 46% के साथ दूसरे नंबर पर है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया के अधिकतर देश भारत के साथ खड़े हैं। ये मोदी सरकार की सफल विदेश नीति है। मित्रों, आज जो काम हुआ मैं उसकी चर्चा करने नहीं आया। सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि मोदी जी ने, जब मोदी जी के आने से पहले समाचार पत्र खोलते थे तो पहले प्रश्न पर खबर होती थी आज इतने लाख करोड़ के घोटाले में आज केंद्र का फलाना मंत्री जेल चला गया। मित्रों, जब से मोदी जी के हाथ में देश की बात दोहराई है, जेल जाने की बात छोड़ो, मोदी के मंत्री पर कोई आरोप भी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये घोटाला मुक्त सरकार मोदी जी ने पिछले 8 साल से देश की, जो पैसा घोटालों में जाता था आज देश के विकास पर खर्च हो रहा है। मित्रों, दुनिया में महामारी आई कोरोना, दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, लेकिन एक भारत ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने पटरी से नहीं उतरने दिया। ऐसा प्रधानमंत्री दशकों के साथ भारत को मिला। मैं छोटा बोलने वाला हूं, भ्रष्टाचार पर चोट कैसे की जाती है, भ्रष्टाचार को कैसे बंद किया जाता है, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। मोदी जी ने 45 करोड़ लोगों के खाते खोले, जीरो बैलेंस पे खोले, ना जमानती चाहिए ना 500 का नोट चाहिए। किसी ने सोचा नहीं होगा ये खाते क्यों खोले जा रहे हैं। 45 करोड़ लोगों के खाते खोले, जब कोरोना की महामारी आई तो 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500 रुपए भेजे। आज 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2000 रुपए, साल में 6000 रुपए किसान संबंधी के भेजते हैं, तो पूरा पैसा लाभार्थी को मिलता है। वरना इस देश में एक प्रधानमंत्री था जो कहता था 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री मोदी है जो 2000 भेजता है तो 2000 ही मिलते, 1 पैसा भी कम नहीं मिलता। ऐसी दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री। मित्रों, मेरे को भी 35 साल चुनाव लड़ते हो गए, लगातार विधानसभा और लोकसभा का मेंबर चले आ रहा हूं। मोदी जी के साथ हरियाणा में प्रभारी
जब से मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, बहुत प्रधानमंत्री इस देश में देखे। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर पूरे देश का भरोसा है। आज मोदी जी एक कॉल करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट भी उसके साथ खड़ा होता है, साउथ भी उसके साथ खड़ा होता है, यानी कि मोदी जी के प्रति भरोसा लगातार देश के 130 करोड़ लोगों का बढ़ रहा है। उसका प्रमाण भी हमने देखा, कोरोना आया, मोदी जी ने कहा जनता कर्फ्यू, 130 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हो गए। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, 130 करोड़ लोगों ने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा घर घर में दिया जलाओ, 130 करोड़ लोगों ने दिया जलाया। और इस 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा घर घर में तिरंगा फहरना चाहिए, 130 करोड़ लोगों ने घर घर पर तिरंगा फहराया। ये प्रधानमंत्री के प्रति देश के लोगों का भरोसा जाता था, और सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया का आज भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। वो ग्लोबल लीडर हो गए हैं। तो मित्रों मैं इतना कहने आया हूँ, बातें बहुत हैं लेकिन हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं इतना कहने आया हूँ गुजरात के लोगों से, आपने 1 तारीख को सिर्फ अंजार की किस्मत का फैसला नहीं करना, गुजरात की किस्मत का फैसला नहीं करना, आपने पूरे भारत की किस्मत का फैसला गुजरात के लोगों ने करना। मित्रों जब दुनिया का भरोसा मोदी जी पर बढ़ रहा है, जब भारत का भरोसा मोदी जी पर बढ़ रहा है, तो गुजरात का भरोसा बनाए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए बताइए। गुजरात का भरोसा मोदी जी पर है ना आज भी, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। तो मान कर चलिए इस देश का भविष्य उज्जवल है। और मोदी जी ने यही कहा है लाल किले से कि अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल होंगे। वो जानते हैं कि 25 साल मैं नहीं हूंगा, लेकिन 25 साल बाद जब भारत आजादी का 100वां साल मनाएगा तो मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत होना चाहिए। मोदी जी इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए रात दिन अपने आप को खपा रहे हैं। अंत में मैं इतना कहते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मोदी जी के हाथों में मित्रों देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित है, देश का सम्मान भी सुरक्षित है। आओ हम सब मिलकर मोदी जी के साथ चले, भाजपा के साथ चले, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताए। यही निवेदन आपसे करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सभा में विराजमान कच्छ बीजेपी जिला की महासचिव श्री विनोद भाई सावदा जी, हमारा अंजर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की उम्मीदवार श्री टिकम भाई बी सांगा जी, गुजरात का मंत्री और हमारा अंजर से 4 बार विधायक बने श्री बसंत भाई जी आहिर जी, भारत सरकार की मंत्री श्री किशन लाल गुज्जर जी, हमारा बीच में उपस्थित कच्छ बीजेपी जिला की इंसर्ट प्रेसिडेंट श्री बलम जी भाई। हम करना है खाली तेंदुलकर सेंचुरी नहीं मारेगा, गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता भी सेंचुरी मारेगा, गुजरात का प्रजागण भी सेंचुरी मारेगा। गुजरात में हम लोग को रिकॉर्ड करके भाजपा को जिताना है, और बहुत ही अच्छा मतदान से जिताना है। एक भारत में विश्व में संदेश जाना है कि 2026 में भी नरेंद्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज गुजरात का डेवलपमेंट का बारे में मुझको कोई बोलना नहीं है। अभी जो भी सभा होगा कहां सभा करेगा, केरिया में करेगा। क्यों करेगा?
सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा आज गुजरात में है। लेकिन कांग्रेस का समय वल्लभ भाई पटेल कहां था? कांग्रेस का समय गुजरात कहां था? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न, देश का पहला भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने दिया, 1990 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई भारत रत्न सम्मान नहीं आया। देश का लोगों को भी मालूम नहीं था कि वल्लभ भाई पटेल का देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अरे भाई, ये तो कांग्रेस का लीडर था, ये तो राहुल जी का पार्टी का लीडर था, लेकिन देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल से परिचय अलूट नहीं करवाया। देश का तो गांधी परिवार चलाता है, चलाएगा। अरे मान लेता हूं अगर महात्मा गांधी जी का परिवार चलाता है, लेकिन गांधी परिवार का मतलब तो डुप्लीकेट गांधी परिवार तो नहीं हो सकता है। ये तो पूरा के पूरा डुप्लीकेट गांधी परिवार है। गांधी टाइटल कैसे मिला, वो भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। आपका तो कोई नाम तो गांधी से तो कोई लिंक भी नहीं था, आपको कैसे ये टाइटल मिल गया? और फिर आपने क्या पाप किया कि जैसे देश को नेहरू ने बनाया, देश को इंदिरा जी ने बनाया, देश को राजीव जी ने बनाया, देश को राहुल जी ने बनाया, अगर कोई नाती पुती पीछे में है वो भी बुलाया जाएगा, देश को यही लोग बनाया था। अरे बी आर अम्बेडकर कहां गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां गया? पूरा जो देश का गौरवशाली हिस्ट्री था, इससे पूरा देश को लोग डिस्कनेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने पूरा देश को मोनोपोली बना लिया कि एक ही परिवार का देश का देश पूरा एक परिवार का दान है। क्या देश में गुजरात का कंट्रीब्यूशन नहीं था? देश में कि मराठियों का कंट्रीब्यूशन नहीं था? देश में क्या बंगाली का कंट्रीब्यूशन नहीं था? लेकिन देश का मतलब खाली गांधी एंड गांधी। एक कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, वो बोला करता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इतना तक वो लोग का दुस्साहस करने के लिए सल पड़ा था। लेकिन आज जब केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा बना, देश में जब राष्ट्रीय एकता के लिए वल्लभ भाई पटेल जी का के लिए स्मरण के लिए हमारा यूनिटी रन मोदी जी ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे देश में करता है, खोल के आशीर्वाद करता है। अभी भाइयों और बहनों, मेरा तो यह सपना है, आगे क्या होगा पता नहीं। एक पुरुष का तीन तीन शादी करने का कहां से इजाजत होता है? पांच पांच आप क्यों शादी करेगा? अगर शादी भी करेगा तो आपका बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी देश का यह सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। और मेरा ये उम्मीद है आज उत्तरांचल में, हिमाचल में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में यूसीसी का बात बोला गया है, और मैं विश्वास करता हूं भारत में ऐसा भी चमत्कार आएगा और कोई देश में यूसीसी का बिना नहीं चलेगा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यह भी मैं उम्मीद करता हूं। भाई और बहनों, थोड़ी देर में आपने सुना दिल्ली में क्या हुआ कि अफताब नाम का एक बदमाश ने हम एक श्रद्धा नाम का लड़की को दिल्ली लेके गया और उनको 35 पीस किया, एक पीस नहीं है, 35 पीस किया, 35 पीस किया। तो देश में लाभ जहाज का खिलाफ भी कानून बनना चाहिए, क्यों ऐसा चलेगा देश में? तो ये सारे जो काम है, ये काम करने के लिए हम लोग को केंद्र में ऐसा एक सरकार चाहिए, देश को एक ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार का पास निर्णय करने का क्षमता रहता है। अब हमारे जो असम का प्रदेश में आया हूँ, वो प्रदेश में क्या था, हमारा असम में फ्राइडे बंद होता था, संडे खुला होता था, कम से कम 12 जिले में सरकार स्कूल चलाए ना चले अलग बात था, लेकिन पूरा मदरसा टीचर का तनख्वाह सरकार दिया करता था।
मुझको एक मैंने मद्रासा बंद कर दिया कि बताया देश को ये एक मैसेज चला गया कि मेरा भारत एक है, मेरा भारत महान है। ये वाणी, ये मैसेज के लिए देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा, एक नरेंद्र मोदी के लिए इंतजार करना पड़ा। आज आप देखिए, आज राम मंदिर भी चला गया, 370 भी चला गया, देश में तो कोई हिंदू मुसलमान का तो कोई टकराव तो नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना एक गरीब हिंदू को भी मिल रहा है, गरीब मुसलमान को भी मिल रहा है, अगर मुफ्त का साल एक हिंदू को भी मिल रहा है, एक मुसलमान को भी मिल रहा है, लेकिन क्यों तुष्टिकरण था? अब क्यों राम और बाबर को एक साथ करेगा? अब अल्लाह और भगवान को एक साथ करता है तो ठीक है, चलो चलेगा, लेकिन बाबर और राम का एक होना एकदम ये कैसा आर्गुमेंट था? लेकिन ऐसे ही कांग्रेस चलता रहा। आज आप देखिए, मुसलमान महिला लोगों को, आपको विवाह, भारत में विवाह कैसा होता है, कितना बहुत बड़ा एक परंपरा है जो आत्मा का मिलन होता है कि भाई मेरा और माँ और पिता का जो विवाह है वो विवाह मेरे लिए कोई मैरिज सेलिब्रेशन नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म है कि भाई मेरा पिता और माता जी का फलाना दिन विवाह हुआ था, ये मेरे लिए कितना पवित्र दिन। देश को एक दिशा मिल चुका है। अब यह G20 का सभा देखिए, विश्व का सभा देखिए, हमारा प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, हमारा प्रधानमंत्री का साथ कैसे लोग व्यवहार करता है? किसी ने मनमोहन सिंह का साथ ऐसा फोटो दिखा सकता है क्या? किसी ने दिखा सकता है राहुल बाबा को है आपके एल्बम में ऐसा कोई चीज? आज देश को गौरव महसूस होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री को कैसा सम्मान देता है, नरेंद्र मोदी को नहीं, और देश का 130 करोड़ भारतीयों को सम्मान आते हैं जब मोदी जी को विश्व मंच में ऐसा सम्मान मिलता है। आगे किसी का याद है, यहाँ में कोई सारे हमारा सीनियर सिटीजन है, आप लोग अपना स्मृति को एक बार 10 साल 20 साल 30 साल आगे ले जाइए, कभी भारत का प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिला था क्या? किसी को सम्मान, ऐसा सम्मान नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का स्थान विश्व का जो राजनीति है, समाज नीति है, इकोनॉमी है, इसमें पूरा ऐसा परमानेंट कर दिया जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था, विश्व गुरु भारत। आज हमको दिखने लगा कि हाँ, वो रास्ता में आज हम लोग चल पड़ा है। भाइयों और बहनों, आज आप सोच सकता है, जब कोविड पैंडेमिक आप लोग का बीच में जितना मैंने उत्साह उमंग देखा, यहाँ में तो बीजेपी जीतना कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम से बीजेपी जीतेगा। अब क्यों नहीं जीतेगा? कच्छ का भूकंप का बाद जो नया निर्माण हुआ, नव निर्माण हुआ, एक अभी अभी हमारा मंत्री जी बोल रहा था कि एक जिला में 90 बार का मुख्यमंत्री आना कोई ये सोच भी नहीं सकता है। मैं भी एक देश स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा स्टेट तो गुजरात का कंपैरिजन में क्षेत्रफल बहुत छोटी है, लेकिन आज 1.5 साल में मैं जैसे तैसे एक जिला में एक बार जा चुका हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कच्छ में 90 बार आया, भूज को निर्माण किया, कच्छ को निर्माण किया, अंजार को निर्माण किया। आप लोग सोच सकता है, 10,000 लोगों का जो मृत्यु हुआ था, वही कच्छ को आज और पूरा सर बना के रख दिया है, व्यापार का, माहौल का, प्रगति का, विकास का एक नया निशान उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाई कोई भी क्राइसिस होगा, हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करूंगा। भूज में क्राइसिस हुआ, कच्छ में क्राइसिस हुआ, अंजेर में क्राइसिस हुआ, लेकिन वो एक सीएम था जिसने पूरा क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी तक, एक दुर्भाग्य को एक सौभाग्य तक उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ऐसा जन नेता हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब इसलिए मैं मानता हूं कि कक्ष में हमारा शेष सीट है, शेष सीट को
को आप लोग पहले पहचाना और आप लोगों ने उनको ताकत दिया और आप लोगों का ताकत के लिए आज देश को ताकत मिल रहा है, मेरा भारत माँ को आपका भारत माँ को ताकत मिल रहा है। भाइयों और बहनों, ये गुजरात चुनाव में हम लोग को बहुत बड़ा संदेश देना है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड से गुजरात से बीजेपी को जिताना है और बहुत बड़ा सुंदर रिजल्ट देना है। इसलिए हमारा आंख अभी खाली भारत नहीं है, अमेरिका को भी पीछे करना है, चाइना को भी पीछे करना है। दो दिन आगे अगर मैं ये बात बोलता था लोग उसको हंसता था, लेकिन अभी ये दो तीन महीना पहले ही हम लोग ब्रिटेन को पीछे भगा दिया कि भाई अभी आप हमारा पीछे में बैठो, तो अभी लोगों का